रामधाम पहुंच गए क्या? वो एक उस्मानाबाद जिला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक यात्रा भरती है हर 15 दिन में या महीने में। उसमें एक बादली में ईट तैरती है, बीट बीट तैरती है पानी में, तो कहीं का यादगार क्या रहस्य है? पानी में बीट ईट ईट तैरती है, ऐसे बहुत से पत्थर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, उनमें अंदर हवा भरी रहती है, अभी भी जड़ जड़ है ये। अरे कहते हैं राम ने पुल बनाया तो पत्थरों का पुल बना दिया, वो तो एक ईंट है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत अजूबा गरूबा मिलते हैं, निशानी किसकी है? ईंट गौरव बाका का, ईट मकान ईंटों से बनाया जाता है। भगवान आया होगा तो ईंटों का मकान बनाया होगा, या चैतन्य ईंटों का संगठन बनाया होगा, मकान कहो किला कहो बात तो एक ही है। तो सतयुग का ऐसा किला बनाते हैं जिसमें माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो ईंटें हल्की होती हैं या भारी होती हैं? है भारी होती हैं। जो नई दुनिया सतयुग का मकान बनेगा, संगठन रूपी किला बनेगा, उसमें आत्मा रूपी चैतन्य ईंटें हल्की होंगी या भारी होंगी? दे हनुमान वाली तो नहीं होंगी। तो निशानी किस बात की हुई? उस मान में आबा करो, किस मान में? जिस मान में, जिस स्वमान में बाप ने आग दिखाया, तो हल्के रहेंगे या भारी रहेंगे? हल्के रहेंगे तो उस मान आबाद हो जाएगा। बाबा विदेशी बन करके आए हैं, वास्तव में वो विदेशी नहीं है, परंतु वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो उन्हें विदेशी बना देती है? बना देती है, बना नहीं देती, बन करके आए हैं। तो कौन सी एक्टिविटीज है जो विदेशी? बन करके इसलिए आए हैं कि दुनिया स्वदेशी बन गई है या विदेशी बन गई है? विदेशी किस आधार पे बन गई है? स्वदेशी थे तो एक की प्रीति एक से ही होती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, और द्वापर युग से जब से विदेशी बने तो इंद्रियां विविचारी हो गई। ये विदेशियों ने आकर के ऐसा जाल फैलाया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कि सारी दुनिया विदेशी बन गई। विदेशी हो गए विविचारी, और जो असली स्वदेशी थे वो थे अब विविचारी। इसलिए बाप सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं या सिर्फ भारत का कल्याण करने के लिए आए हैं? सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं। सारी दुनिया के संसर्ग संपर्क में आना पड़े या सिर्फ भारतवासियों का उद्धार करने से ही काम चल जाएगा? सारी दुनिया के संपर्क। अगर दूसरे धर्म की आत्माएं, दूसरे धर्म खंड के लोग स्वदेशी नहीं बनेंगे नंबर वन, तो उनको सदगति नहीं मिलेगी। कम से कम एक जन्म की सदगति सबको मिलनी है, और फिर भारतवासी भी एक जैसे नहीं है, कोई तो आज से लेकर के अंत तक स्वदेशी है, अपने धर्म के पक्के हैं, लेकिन वो तबक्का बहुत थोड़ा है, और कोई ऐसे हैं ज्यादा तादाद में जो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं,
कन्वर्ट होकर के विदेशी बन गए। उन विदेशियों को स्वदेशी बनने के लिए बाप को भी विदेशी बनना पड़ता है, नहीं तो बच्चों से मिल नहीं सकते। स्वदेशी का गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम की मर्यादा एक में थी या अनेक में थी? उन्होंने तो राम को त्रेता में डाल दिया। वास्तव में संगम युग की बात है। संगम युग में राम का लव एक के सिवाय और कोई में भी नहीं होता। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसलिए राम की आत्मा को त्रिमूर्ति में दिखाया गया है, शंकर के रूप में पाठ बजाने वाला, और कृष्ण की आत्मा को दिखाया है ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाला। और ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सेवा के लिए भेजा था, तो उसमें कन्या ही थी क्या? सेवा के लिए भेजा था, कुसुम कमसुम थे, तो कन्याओं को भेजा था या वही लोग? कन्याओं को भी भेजा था, माताओं को भी भेजा था। और विश्वेश्वर जैसे भाई तो ज्ञान सुना ही नहीं पाते थे, उनको नहीं भेजा। हाँ जी बाबा, 4.5 लाख जो संपीड़न हुआ उनसे 4.5 लाख से 9 लाख बनेंगे। हाँ जी। तो उसमें बच्चे होंगे? 4.5 लाख भी बच्चे होंगे? हाँ। उनकी आयु क्या होगी, लगभग आयु क्या होगी? अरे बच्चों की आयु क्या है? एक दिन का बच्चा होता है, एक सेकंड का भी बच्चा होता है, एक घंटे का भी बच्चा होता है, एक साल का भी बच्चा होता है। आयु क्या तुरंत हो जाती है? 2.25 लाख की जोड़ियां होंगी तो उनके बच्चे पैदा होने के लिए तो आयु तो बड़ी चाहिए ना, पैदा करने वालों की। तो यहाँ तो जो आयु है, यहाँ योग बल में जो आयु आंकी जा रही है, जब से अपने स्वरूप का पता चलता है तब से ही आयु शुरू हो जाती है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, उस हिसाब से 76 आता है। तो 76 से लक्ष्मी नारायण की आयु शुरू हुई या नहीं हुई? आत्मा की आयु बनेगी शरीर के साथ या सिर्फ शरीर की आयु बनेगी? आत्मा की आयु बनती है। तो आत्मा का सुधार कब से हुआ शुरू? जब से बाप को याद करना शुरू किया तब से सुधार हुआ। तो जैसे जैसे जिनको जिनको पक्का निश्चय बैठता जाएगा कि मुझे आत्मा का इस रंगमंच पर ये विशेष पार्ट है, मैं यह पहला पार्टधारी हूं, तो जैसे कि आयु शुरू हो गई आत्मा की। तो पैदा करने वाले समझदार किस्म के होंगे, बालिग होंगे या नाबालिग होंगे? समझदार होंगे, बड़े होंगे, बुद्धि से भी बड़े होने चाहिए और शरीर से भी बड़े होने चाहिए। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो जन्म लेंगी, उन्होंने संगम युग में बुद्धि से भी बड़े होने का पुरुषार्थ नहीं कर पाया, और शरीर से भी कैसा जन्म लेंगे? सगीर का जन्म लेंगे या नाबालिग का जन्म लेंगे? छोटे बच्चे होंगे। और ड्रामा में मुझ आत्मा के कितने जन्म होंगे, यह किस आधार पर जानूं?
अभी बताया मैं भैंस हूँ तो क्या बन गया? चौरासी बन गया। चौरासी जन्मों में मुझ आत्मा के कितने होंगे? जितना स्वयं धारण करेंगे ज्ञान को उतने जन्म होंगे, चौरासी से ज्यादा नहीं होंगे। एडवांस में आए हैं तो एडवांस में जो आ जाते हैं उनका एक जन्म होगा क्या? जो एडवांस में आने वाले हैं उनका 63 जन्म होगा या उससे ज्यादा होगा? सबका 84 जन्म होगा। नहीं, कम ज्यादा है? कम होंगे तो ज्यादा। हाँ, जिनका पूरा 84 जन्म होगा उनकी निशानी होगी, क्या निशानी होगी? निश्चय बुद्धि, अंत तक विजय थे, विजयी बन जावेगा, बल विनाश हो जाएगा फिर भी निश्चय हो जाएगा कि दुनिया में स्वर्ग की स्थापना हुई पड़ी है। पूछने की बात ही नहीं रहेगी कि मेरे जन्म कितने होंगे। कम जन्म किनके होंगे? विधर्मियों के होंगे या सुधर्मियों के होंगे? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनके कम जन्म होंगे। कम जन्म नहीं होने वाले होंगे तो कन्वर्ट भी नहीं होंगे। इसलिए अंत तक पक्का निश्चय होने के कारण, निश्चय बुद्धि होने के कारण विनाश का मुकाबला करते रहेंगे। क्या? अंत तक मुकाबला करेंगे। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। और हिप्नोटाइज में आए से क्या प्रक्रिया करते जो आत्मा के पूर्वजन आत्मा को पूर्वजन मिल जाते? कोई हिप्नोटाइज ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जो पावरफुल आत्माएं होती है वो दूसरों को प्रभावित कर लेती है, हिप्नोटाइज उसको कहा जाता है। 84 जन्म लेने वालों को कोई हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकता। भूत प्रेत प्रवेश हो जाते हैं, कहते हैं हमने हिप्नोटाइज करना सीख लिया है, तांत्रिक विद्या भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाली, किसी को सुला देंगे, उसमें आत्मा प्रवेश कर जाएगी। प्रेत आत्मा जिसको सिद्ध किया है पूछेंगे मजमे में इसकी जेब में कितने नोट हैं, वो बोलेगा इनकी जेब में इतने नोट हैं। अरे जो आत्मा प्रवेश है उसको अपना स्थूल शरीर है ही नहीं, स्थूल शरीर स्थूल कर्मेंद्रियों के बंधन से परे है, उसको जानना ही क्या बड़ी बात है कि इसकी जेब में कितने पैसे हैं। और हिप्नोटाइज करके कोई 84 जन्मों की हिस्ट्री बताए? बता ही नहीं सके। और बाबा दो बच्चों का 21 जन्म का भाग्य बनाते हैं, ये मालूम होने से भी बच्चे निश्चय अनिश्चय में क्यों आते हैं? बाबा ने भाग्य बनाया है तो बाबा की पार्शलिटी साबित नहीं होती। सब बच्चों का भाग्य बनाता है या कोई का बनता है कोई का नहीं बनता है? भगवान बनाता है ये अपने पुरुषार्थ से बनता है? तो ये तो प्रश्न ही गलत हो गया कि बाबा ने बच्चों का भाग्य बनाया। बाबा किसी का बनाता नहीं और बाबा किसी का बिगाड़ता भी नहीं। बाबा तो आकर के सिर्फ रास्ता बताता है, जो उस रास्ते पर चलेगा तो भाग्य बनेगा, नहीं चलेगा तो भाग्य नहीं बनेगा। जो ना चलने वाले होंगे वो बाप की बात को मानेंगे भी नहीं। और
सूर्य लोग चंद्र लोग बोलते हैं ऐसे पृथ्वी के माफिक वहां पर भी जीव है क्या? पृथ्वी गोल है, इस गोल पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ऐसे छेड़े हैं जहां सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। मान लो ये पृथ्वी है और यहां सूरज चमक रहा है, तो सूर्य की रोशनी सामने ज्यादा तीखी पड़ेगी या आजू बाजू में तीखी पड़ेगी? सामने। तो सामने जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां जीव जंतु हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सूरज की दूरी दूर हो जाती है, इसलिए वहां कोई जीव जंतु नहीं है। तो सूर्य की निश्चित दूरी होने पर ही जीव जंतु हो सकते हैं, और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कोई बहुत दूर है और कोई बहुत नजदीक है, वहां जीव जंतु होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इस समय का दायन है कि एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई, चाहे बुध सितारा हो, चाहे शुक्र सितारा हो, चाहे मंगल तारा हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे पृथ्वी हो। कैसे? इस समय वर्तमान समय में हर सितारा रूपी आत्मा अपनी अपनी प्रजा तैयार कर रही है जन्म जन्मांतर की। जो जितनी प्रजा तैयार करता है, जितनों को संदेश देता है, वो उसकी उतनी बड़ी दुनिया बन जाती है। कोई इतना पुरुषार्थ करता है कि 500 करोड़ की मनुष्य आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन जाता है, कोई इतना पुरुषार्थ करता है कि सिर्फ क्रिश्चियन डायनेस्टी तक सीमित रहता है। इस समय हर एक आत्मा रूपी सितारा अपनी अपनी दुनिया तैयार कर रहा है। इस समय पुरुषार्थ करके कोई परमात्मा बाप ज्ञान सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है, कोई दूर हो जाता है, कोई कब नजदीक कब दूर। जैसे कि आसमान में सितारे होते हैं, कोई चंद्रमा के बहुत नजदीक आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, कोई सितारे इकट्ठे होकर के रहते हैं, जहां जाएंगे आसमान में वहां इकट्ठे इकट्ठे दिखाई पड़ेंगे। तो उन जड़ सितारों पर जीवन नहीं है, ये तो सिर्फ एक पृथ्वी लोक है। न चंद्रमा पर जीवन है, न और किसी ग्रह पर जीवन है, जीवन सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है। शास्त्रों में लिखा हुआ है चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं, तो उन्होंने चंद्रमा की यात्रा करना शुरू कर दिया। चंद्रमा पर पहुंचे तो क्या मिला? कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। मनुष्य जो कुछ करते हैं वो नुकसान ही नुकसान करते हैं। बाबा, भक्ति मार्ग में कहा गया है कि भगवान ये सुख देता है, भगवान ये दुख देता है, इसकी शूटिंग संग पर कहां होती है? भगवान सुख दुख देता है न किसी को देता है न किसी से लेता है। अगर वो सुख दे, अगर भगवान दूसरों को सुख दे, तो दूसरों को सुख देना भी पड़े भगवान को। भगवान आता है तो सुख देते हैं कि और ही दुख देते हैं? 70 साल हो गए भगवान को आए आए,
कोई बात मानता है? और कल्याण के लिए कहता है मेरे को याद करो, अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, कोई सुनता है? हम जैसों को तो कोई एक बार दो बार तीन बार बात न माने तो कितना दुख हो जाता है, अपने बच्चे न माने तो और ही ज्यादा दुख हो जाता है। और बाप की तो प्रैक्टिकल में सारी दुनिया बनती है। बाबा भक्ति में कोई शरीर छोड़ता है तो 10 दिन दूर क्यों बैठता है? बेहद में और इसका दोष है क्या? यहाँ भी देवान छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? हैं? कोई टाइम ऐसा आता है ना कि देवान छोड़ते हैं, और जब देवान छोड़ते हैं तो टाइम लग जाता है कि एकदम हो जाता है? हैं? टाइम लगता है। तो जो टाइम यहाँ लगता है देवान छोड़ने में, वो वहां भक्ति मार्ग में उन्होंने नूत दिया है। भक्ति मार्ग में 12-13 दिन मातम मनाते हैं, तेरवी करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। और हिंदुओं में आत्माओं को मरने के बाद जलाया जाता है, आत्माओं को मरने के बाद जलाया जाता है हिंदुओं में, तो अभी कुछ जाति में ऐसा भी देखा जाता है कि हिंदुओं में भी दबाया जाता है। प्रभावित हो गए विदेशियों से तो दबाते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं तो अपने देवान को नहीं जला पाते, ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में, तो विदेशी की विदेशी ही रह जाएंगे। जब द्वापर युग आवेगा तो उनके शरीरों को मिट्टी में दबाया जाएगा। ये शूटिंग यहां करते हैं, करना चाहिए देह अभिमान को भस्म करना योगाग्नि, लेकिन योगाग्नि में भस्म नहीं कर पाते, देहदारियों के चक्कर में आ जाते हैं, देहदारियों उसके लगाव में आ जाते हैं, तो देह बन रह जाते हैं, फिर वो देवान की मिट्टी में गड़ेंगे। भक्ति मार्ग में क्रिश्चियंस और मुसलमान क्या करते हैं? गाड़ते हैं जमीन में। क्यों गाड़ते हैं? क्योंकि संगम युग में जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ऐसे क्रिश्चियंस और मुसलमान हैं, वो अपने देवान की मिट्टी में ही गड़ करके रह जाते हैं, आत्माभिमानी पूरे नहीं बन पाते, देवान को जला करके भस्म नहीं कर पाते योगाग्नि। तो कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म लेंगे या कम जन्म लेंगे? कम जन्म लेते। जन्म 84 लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ वर्ष कम हो जाएगी। ज्ञान में आने से ज्यादा परीक्षा क्यों आती है? ज्ञान में आने के बाद पाप कर्म करने से 100 गुना चढ़ता है या ज्ञान में आने से पहले 100 गुना चढ़ता है? आने के बाद 100 गुना पाप कर्म करेंगे, 100 गुना बोझा चढ़ेगा, तो अवस्था भी नीचे गिरेगी, माया भी ज्यादा तंग करेंगे, फंस गए। बाबा एडवांस पार्टी में भक्ति मार्ग के संस्कार कौन से है जिस कारण शरीर छोड़ना पड़ता है बच्चों? शरीर छोड़ करके ब्रह्म को जन्म मिलेगा, और उनकी तो बुद्धि में बैठा हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है। कांचन का है कि असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है यही ज्ञान लेना और यही उसकी प्रारब्ध पाना। यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की प्रारब्ध भी यही पानी है, लेकिन कोई भक्ति मार्ग का संस्कार ऐसा 100%
आ जाता है जिसकी वजह से शरीर छोड़ना पड़ता है। फिर भी अगर अचानक शरीर भी छोड़ना पड़े तो भी थोड़े समय के लिए वो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, फिर उनको शरीर मिलेगा और जो नया शरीर मिलेगा उससे फिर पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ करके उसी जीवन में शरीर रहते रहते भगवान बाप से प्राप्ति करेंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाकर के प्राप्ति करेंगे। शरीर यहां छूट गया तो छूट गया, नहीं, जो भी एडवांस में आ गया उसको नया शरीर जरूर लेना पड़े। फिर बाबा वो नए शरीर से आपको मिलेगी, नए शरीर से पुरुषार्थ करेंगे, आपको मिलेगी साकार में। छोटे बच्चे होंगे ना बाबा, छोटे बच्चे होंगे तो छोटे बच्चे आजकल के 3 साल के कंप्यूटर चला रहे बाबा भक्ति मार्ग में जो मन से मांगते हैं तो बाद में ज्ञान में आने के बाद उसका क्या करें? ज्ञान में आ जाएगा उसकी बुद्धि में तो बैठ जाएगा जो मन्नतें अल्पकाल की हमने मांगी। यहाँ अल्पकाल की प्राप्ति करनी है भगवान से या सदाकाल की प्राप्ति करनी है? तो मन्नतों जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगी बात, वो मन्नतों में थोड़ी बुद्धि रमाएगा। उसका कोई दोष नहीं लगता? किसी ने मन्नत मांगी कि अगर हमारा यह कार्य हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा तो हमें 1,00,000 रुपए का भंडारा करेंगे। बीच में ज्ञान में आ गया, बच्चा भी उससे पहले पैदा हो गया ज्ञान में आने से पहले, तो ज्ञान में आने के बाद उसे मन्नत तो पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए। अरे 1,00,000 की जगह जिंदगी में जो भी कमाया सारा लगा देना चाहिए भंडारे। बाबा भाई का प्रश्न है, वार्तालाप 312 में बाबा ने बताया कि नदियों में कचरा डाला जाता है। कोई कोई नदियों में डाला जाता है, कोई कोई में नहीं भी डालते हैं। जैसे अमेरिका की नदियां हैं उसमें कोई कचरा डालता है क्या? कोई ना, भारत की नदियों में कचरा डाला जाता है। कचरा माने पोता में, तो पोता मेल तो हम बाबा को देते हैं, बाबा को देते हैं, लेकिन बच्चे हो गए हजारों लाखों की तादाद में तो बाबा अपने सहयोगी बच्चों को तैयार करेगा या अकेले राजा सारा कार्य कर लेगा? जो सहयोगी बच्चे हैं वो बच्चे वही होंगे जो अपने अंदर समा के रखे। अपना पोता मेल पहले बाबा को देने वाले हो, अपना दिल बाबा को नहीं दिया होगा तो बाबा उनको अपना दिल क्यों देगा? तो वो नदियां हैं जिन नदियों में उनका कचरा डाला जाता है वो नदियां पढ़ करके सुनाती हैं और बाप तक पहुंचाती हैं। बाप माना सागर। नदियां कचरा जो लेती हैं वो कचरा क्या करती है उस कचरे को सागर में ले जाकर डाल देती। हल्का हल्का फुल्का होता है तो इधर उधर फेंक देती है किनारों पर, और गहरा कचरा होता है तो सागर में जाता है। शास्त्र में दिखाया गया है कृष्ण के 6 भाई मारे गए और 7 बार बलराम का गर्भ जो है ट्रांसफर किया गया है दूसरी पत्नी ने वसुदेव की, और 8वां कृष्ण, तो इसका रहस्य क्या है? यहाँ भी तो कृष्ण वाली आत्मा बच जाती कि नहीं बच जाती? कैसे? शरीर छोड़ती है और राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाती है तो बच गए ना। और बाकी रहे 6 धर्म जो आस्तिक हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, तो बच गए। इन्होंने भगवान बाप से वर्षा लिया आस्तिक होने के कारण, बाकी आर्य समाज और नास्तिक वर्षा नहीं ले पाते, राजा ही का वर्षा उनको नहीं मिलता। बाबा
दस्तूर में पोता मेल देना माना लिख कर देना। लिख करके देंगे तो आधा माफ होगा और आधा योगबल से सहज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिख करके दिया तो हल्के हो गए, बुद्धि हल्की हो जाती है तो याद अच्छी आती है। और सूक्ष्म में पोता मेल तो किस तरह दिया जाए? सूक्ष्म में देने के लिए मुरली में बोला है क्या? मुरली में तो नहीं बोला, जब साकार में आया हुआ है तो साकार में देना चाहिए या सूक्ष्म में देना चाहिए? और बाबा जिसको जो लिखने नहीं आता इतने वो कैसे बाबा को पता मिले? अरे इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो अपना बीत होगा है? कोई पर तो विश्वास होगा कि नहीं होगा? जिस पे विश्वास हो उस पे लिखवा लो। नहीं तो विदेश के लोग आते हैं, आकर के यहाँ 6 महीने में हिंदी सीख लेते हैं है? तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी नहीं सीख सकते? या जिस भाषा में जन्म लिया है हिंदुस्तान में वो भाषा सीख नहीं सकते लिखना पढ़ना? नहीं सीख सकते? सीख सकते। और बोला गया है जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, तो लास्ट 36-5-7 दिनों में अंतिम विनाश हो जो होगा उस समय कृष्ण जैसे जन्म लेने वाली आत्माएं भी नंबर वार बड़ी होती जाएगी 17-18 साल की। 36 तक कृष्ण जैसे जन्म लेने वाली 2018-19 में जो आत्माएं जन्म लेने वाली 2018 में संगम युग होगा या सत्युग होगा? संगम युग होगा, लेकिन वो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो संगम युग ही कृष्ण का जन्म होगा या सत्युग ही कृष्ण का जन्म होगा? सत्युग ही कृष्ण का जन्म होगा। सत्युग ही जन्म का कैसे जन्म संगम में जन्म हो जाए? नहीं बाबा तो पुरानी दुनिया में पुरानी पतित आत्माएं होंगी या पावन शरीर वाले होंगे? तो पावन शरीर वाले का जन्म कैसे हो जाएगा? संगठन बन जाएगा। संगठन बन जाएगा, उस संगठन में जिस कृष्ण का शास्त्रों में गायन है कंस के साथ कृष्ण शिशुपाल दुर्योधन दुशासन के साथ जो कृष्ण दिखाया गया है उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा संगम में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2018 में जो कृष्ण का जन्म होगा वो संगम की कृष्ण होगा जिसके साथ कंस होता है? वो बात नहीं है, जो 2018 में कृष्ण का जन्म होगा सत्युग कृष्ण। 2018 में कृष्ण बच्चे का जन्म नहीं होगा साकार शरीर से, वो तो सत्युग में ही होगा, क्योंकि पांच तत्व जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक सतो प्रधान शरीरों का जन्म नहीं हो सकता। 36 के बाद ही होगा। 36 से पहले दुनिया का विनाश होगा या 36 के बाद 36 के आसपास ही होगा? 100 वर्ष संगम का पूरा होगा और दुनिया का विनाश होगा। जब तक पति दुनिया का विनाश न हो और पांच तत्व जहां से आए हैं वहां के वहीं न पहुंच जाए, पांच तत्वों के अणुअणु ने जहां से यात्रा शुरू की है वहीं न पहुंच जाए, आत्माओं ने जहां से यात्रा शुरू की है कहां से यात्रा शुरू की? सत्य धाम से या झूठ धाम से? सत्य धाम से यात्रा शुरू की। तो जब तक सत्य धाम में आत्माएं न पहुंच जाए तब तक पहले से ही सत्युग कैसे शुरू हो जाएगा? शास्त्रों में जन्नत का गायन है, हाँ जन्नत का जो गायन है वो संगम ही कृष्ण का गायन है। लॉर्ड कृष्ण जो अंग्रेज लोग बोलते हैं वो संगम ही कृष्ण की यादगार बोलते हैं, वैकुंठ जो हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ में कृष्ण तो वो संगम युग की यादगार है। शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है वो संगम की बातें हैं, सत्युग और त्रेता की कोई हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। और
बाबा बच्चों के लिए ब्रह्मधाम छोड़कर बच्चों के पास आते हैं, दोनों में से महत्व किसका है? दोनों माने कौन? बच्चे और बाप। आया कौन? बाप आए, बच्चे तो नहीं बाप के पास गए। तो महत्व किसका हुआ? जो जो आया मेहनत करके आया उसका महत्व हुआ, या बच्चों का महत्व? बच्चे अपने आप मेहनत महत्व लेना चाहते हैं, हैं? है महत्व तो सारा बाप का है, जो कुछ लेना ना देना, सुख भी नहीं लेता, स्वर्ग में भी नहीं जाता, फिर भी बच्चों के लिए आता है, फिर भी बच्चे महत्व लेना चाहते हैं बाप के मुकाबले। अष्टदेवों में जो दूसरा मन का डिक्लेयर हुआ है, उन्होंने बाप से डायरेक्ट ज्ञान लिया है? ऐसे कोई बात नहीं, बाप से तो डायरेक्ट ज्ञान सभी लेते हैं, जो भी बेसिक में थे, और बेसिकली जिनकी आत्मा की कट उतरती है उसके बाद डायरेक्ट बाप से सभी लेते हैं। नहीं बाबा, शुरू में कोर्स किया है बाप से। ये कोई बात नहीं होती, शुरू शुरू में कोई अपने आप कोई ज्ञानी बन जाता है क्या? पहले किसी के द्वारा संदेश मिलेगा तभी तो ज्ञान देगा। रुद्रमाला में जो भी कन्याएं सरेंडर हो रही है उनका अधर कुमारी के रूप में गायन होता है या कुमारी कन्या कुमारी के रूप में? कन्या बन के रही है जब से जन्म लिया है शरीर का, और जब तक अंत तक पुरुषार्थ करे, एक ही बाप की बन के रही है तो कन्याकुमारी, और कोई और के चक्कर में आ गई तो कन्या है या अधर कुमारी? अधर कुमारी कही जाए। इसलिए दो तरह की माताओं का गायन है, दो तरह की कन्याओं का गायन है, एक कन्याकुमारी और दूसरी अधर कुमारी। ज्ञान में आने के बाद लौकिक वालों से लेन देन का व्यवहार होता है, वो श्रीमत के बरखिलाफ है। बाबा ने तो कहा है लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभानी, व्यवहार तोड़ देना है क्या? तोड़ देंगे तो वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। अगर उनको साथ लेकर के चलना है, बेसिक में जब हम आए थे ज्ञान में, तो क्या लौकिक संबंध वालों से हमने नाता तोड़ दिया था? नहीं तोड़ा था ना, तो यहाँ ये बात क्यों उठती? यहाँ भी हमें सबसे तोड़ निभा के चलनी। हाँ ये है कि पहले ज्यादा लगाव से चलते थे, तन धन समय ज्यादा देते थे, अभी जितना मैं चलेगा जितने से काम चल सकता है, अगर कम से कम में काम चल सकता है वो खुश रह सकते हैं, तो काहे के लिए हम अपनी तन धन की ज्यादा शक्ति जो ही उसमें लगाएं, काम चलाओ चलने दो। समुद्र मंथन में महादेव ने विष पिया है, वो अब कौन से निशाने हैं? विषय विकारों का विष पिया गया है या कोई और विष पिया गया है? स्थूल विष। ज्ञान में जो भी बातें हैं वो स्थूल बातें हैं या सूक्ष्म बातें हैं? माना शास्त्र सब गपोड़े हैं। शास्त्र गपोड़े हैं, अगर उनका अर्थ समझो तो गपोड़े नहीं है। जो भगवान आकर के शास्त्रों का सार बताता है, वो सार अगर हमने समझ लिया तो गपोड़े नहीं है। रावण के 10 सिर थे, पैदा कैसे होगा? तो समझना चाहिए ना, 10 सिर थे माना 10 सहयोगी थे। आज दुनिया में 10 बड़े बड़े धर्म हैं और उनके कोई 10 बड़े बड़े मुखिया भी हैं या नहीं? तो जो 10 बड़े बड़े मुखिया हैं वही रावण के 10 सिर हैं, वो संगठित होकर के अपनी अपनी मत चला रहे हैं दुनिया। राम कौन है उनको पता ही नहीं है, अगर पता होता तो उसे युद्ध न होता। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं
वो वर्तमान संगम युग के काम के आधार पर नाम पड़े। रावण, लोगों को जिसने रुलाया है उसका नाम है रावण। राम, जो लोगों को रमण करा के खुश करता है, रमण कराता है, खुश करता है, खिलाता है, खेल खिलाता है। खेल में खुशी होती है ना, दुख नहीं देता। खेल में दुख होता है या सुख होता है? खेल में तो सुख होता है। तो जो संसार को रमण कराता है, खेल खिलाता है, वो है राम। सबके मन मन में रमण करता है, वो राम है। जो लोगों को रुलाता है, वो राम है। नाम रख दिया मेघनाथ। क्या मेघ जैसे गर्जना करता है, गड़गड़ तो जो भयंकर गर्जना करते हैं, भयंकर वाणी उच्चारते हैं, सुनने से ही डर लग जाए किसी, उनका नाम रख दिया मेघनाथ। और बाबा सबसे पहला ज्ञान कर्नाटक में उठाया है, सबसे पहला ज्ञान कर्नाटक वालों ने उठाया, कर्नाटक वालों ने, कर्नाटक वालों ने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कर्नाटक वाले अभी माता के दर्शन कर रहे हैं। जिन कर्नाटक वालों ने ज्ञान उठाया है वो जाते हैं या जाने वाले कोई दूसरे हैं? जाने वाले दूसरे हैं, ज्ञान में आने वाले दूसरे हैं। अगर कर्नाटक की बात है तो बेहद का कर्नाटक कौन हुआ? किसी एक व्यक्ति के नाम पर नाम पड़ता है। तो बेहद का नाटक करने वाला ब्राह्मण की दुनिया में कौन हुआ है? बोलो ना। बेहद का बल्लमर का नाटक करने वाला कर्नाटक कौन हुआ है? अरे जो नाटकबाजी होती है तो उसमें हीरो पार्टधारी सबसे बड़ा नाटक करने वाला माना जाता ही नहीं। तो ये भी मनुष्य सृष्टि एक नाटक है, रंगमंच है, इसमें बड़े से बड़ा पार्टधारी कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा कर्नाटक जोन का मुखिया भी है, बड़ा नाटककार है। जब नाटककार है तो आकर के पुरुषों को ज्यादा महत्व देता है या कन्याओं माताओं को ज्यादा महत्व देता है? तो देवी पूजा करने वाला हुआ ना। कृष्ण की आत्मा सत्युग में पुनर्जन्म लेगी या संगम में लेगी या कलयुग में लेगी, द्वापर में या त्रेता में? संगम पर लेगी या नहीं? अरे जो स्थूल जन्म की बात है या सूक्ष्म जन्म की बात है? तो पहले सूक्ष्म जन्म लेगी या पहले स्थूल जन्म लेगी? पहले सूक्ष्म जन्म लेगी, पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म और बाद में स्थूल जन्म। 2036 के पहले नहीं लेगी? क्यों लेगी? 2036 से पहले जो शरीर के पांच तत्व हैं, दुनिया में जो पांच तत्व हैं वो सतोप्रधान बनेंगे। पहले शरीर तमोप्रधान बने, सतोप्रधान बनेंगे या पहले आत्माएं सतोप्रधान बनेंगी? पहले 4.5 लाख जन्म देने वाली आत्माएं सतोप्रधान बनेंगी या जन्म लेने वाले सतोप्रधान बन जाएंगे? जन्म देने वाले पहले सतोप्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुष किसको कहा जाता है? अरे बिना शरीर के पुरुष कहा जाता है क्या? उनको तो शरीर ही नहीं। जिस शरीर में प्रवेश किया है उनके द्वारा पुरुष है, उनके द्वारा ही वो विष्णु का पार्ट बजता है। चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलते हैं तो विष्णु कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में वो पार्ट बजाएगी लेकिन उनका अपना शरीर नहीं हो सकता।
और जैसे शिव बाबा आते तो अंत में निराकार स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं दुनिया के सामने, ठीक है। तो धर्म पिता ये भी ऐसे ही अंत में ही निराकार स्टेज में प्रत्यक्ष हुए होंगे। हुए होंगे क्या, होते ही है निराकार स्टेज वाले, उनके चित्र नहीं दिखाई पड़ते हैं? दिखाई पड़ता है लेकिन अंत में ही निराकार स्टेज में दिखाई देंगे। नहीं, उनका उल्टा होता है, जब आते हैं तब निराकार होते हैं और जब शरीर छूटता है तो संग के रंग में आ जाते हैं। इतने संग के रंग में आ जाते हैं कि जन्म लेना पड़ता है। और शिव बाप आदि में भी निराकारी और जब जाएगा छोड़ करके तो भी निराकारी, और जिसमें आएगा वो पहले साकारी और बाद में जब जाएगा तब टोटल निराकारी। तो कितना अंतर हो गया धर्म पिताओं की प्रवेशता में और शिव बाप की प्रवेशता में, जमीन आसमान का अंतर। वो आते ही निराकार स्टेज में प्रत्यक्ष हुए तो उनका हाथ पर क्यों होना पड़ा है? धर्म स्थापन करने के लिए उनको कठिनाई उठानी पड़ी। यहाँ कठिनाई होती होगी ना लोगों को, यहाँ संगम युग में जब बाप आया होगा तो उन्होंने न समझने के कारण उल्टा ज्ञान सुनाया होगा ना, अपोजिशन किया होगा ना, तो अपोजिशन किया होगा उसका प्रतिफल उनको मिल जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, भगवान के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो उछालने वालों के ऊपर असर नहीं आएगा क्या? बाबा ज्ञान तो सत्य है लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती? शीशा तो सच्चा है, शीशा जो है वो पूरा पिक्चर देता है लेकिन शीशे में अक्ष क्यों नहीं आता? शीशा है, शीशे में सारे चेहरे जो कि क्यों आने चाहिए लेकिन क्यों नहीं आता? अरे शीशे पर गंध लगी हुई है, तो जिन आत्माओं पर जितनी ही गंध लगी हुई है वो सच्चाई को नहीं पकड़ सकती। जिन्होंने जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो भगवान को जल्दी पहचानते हैं, भले इस जन्म में कितने भी पतित बन गए हो। चार आत्माएं के स्वभाव संस्कार एक होना माना, दो माताएं और राम और कृष्ण है, इसमें सरस्वती नहीं आ सकती। सरस्वती क्यों नहीं आती? तो राधा के रूप में उसे जन्म नहीं लेना है। फिर तो पांच आत्माएं, पांच आत्माएं तो चार भुजाएं हैं, भुजाएं अपने आप चलती हैं कि चलाने वाले के द्वारा चलती हैं? तो चलाने वाला नहीं होगा तो भुजाएं चलेंगी कैसे? भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई है, कौन है? हाँ प्रजापिता वाली आत्मा। और कृष्ण की बात चल रही थी ना, हाँ? इसके बारे में मुरली ने ऐसा बोला है, हाँ? कि नरक की दुनिया में ही मैं स्वर्ग की सौगात दे रही हूं। तो देता हूँ ना, यहाँ शरीर भी रहेगा, शरीर भी रहे, इंद्रियां भी रहे, और फिर अंदर से सुख महसूस हो, दुनिया हाय हाय करके मर रही है और तुम वाह वाह करके शरीर छोड़ो, वाह मेरा पार्ट, वाह मेरा बाबा का पार्ट, वाह मेरे संगी साथियों का पार्ट, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग हुआ या नरक हुआ? स्वर्ग हुआ। बाबा प्रकाश मणि दादी जो चली गई है शरीर छोड़ा के स्कूल में जन्म लेती है, ये क्या ऐसा सूक्ष्म? प्रकाश मणि दादी याद किसको करती थी, भगवान किसको मानती थी साकार में, किसको मानती थी? ब्रह्मा बाबा को साकार में भगवान मानती थी, साकार में उनको याद करती थी भगवान समझ के। तो जिसको याद करेगी उसकी वैसी गति होगी या दूसरी गति हो जाएगी? जैसी ब्रह्मा बाबा की गति हुई, शरीर छोड़ करके चले गए, दोबारा जन्म नहीं मिला, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, ऐसी ही गति होगी। और उसके समान गति होगी, ब्रह्मा के समान गति होगी, ब्रह्मा से ऊंची गति होगी या ब्रह्मा से नीची गति होगी? नीची गति होगी।
अगर ब्रह्मा ने देवी देवता सनातन धर्म में जाने का पार्ट नूद कर लिया और वो उनका वारस बनेगी, तो जब वारसदार बनेगी तो रचना हुई ना। देवी देवता सनातन धर्म के बाद कौन सी रचना आती है दुनिया में? इस्लाम धर्म। तो उनको इस्लाम धर्म का नारायण बनना पड़े और उसी धर्म में कन्वर्ट होना पड़े। समंदर में सेतु जो राम ने है ना सेना लेकर बनाया ये सेना कब ली थी राम ने? बता किस समय ली थी सेना राम ने? त्रेता में ली संगम। तो अभी सेना ले नहीं रहे? नहीं, लेकिन वहाँ वैसा है ना बाबा। कहाँ कैसा है? टीवी में बता रहे सेतु है और उस पर झगड़ा चल रहा है कुछ। वो तो दुनिया में झगड़ा चल रहा है, भक्ति मार्ग का झगड़ा, बिना समझे। वो बना होगा क्या बाबा? अब वो अभी बन रहा है ना। यहाँ जो ज्ञान ले रहे है वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तैरने वाली बुद्धि बन रहे है कि नहीं बन रहे? ज्ञान जल में तैर रहे हैं या डूब रहे हैं? विषय वैतरणी नदी में तैर रहे हैं या डूब रहे हैं? तैर रहे हैं, डूब नहीं सकते। ऐसे जो पत्थर हैं, जो विषय सागर में तैर रहे हैं और तैरते तैरते उनका एक पुल बन जाता है, जो ज्ञान सारा यहाँ का और वहां तक रावण संप्रदाय तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? उससे उनको नुकसान है या फायदा है? वो क्या समझते हैं? ये ज्ञान जो एडवांस का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वो वहां तक पहुंच रहा है, रावण संप्रदाय तक, लंका तक, तो उससे उनको फायदा है या नुकसान होने की आशंका है? उनको फायदा हो रहा है, वो क्या समझते हैं? उनको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? अरे एक बात बोलो ना, नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान ना होता तो तुमको दूर 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 क्यों करते? यहाँ मत आओ, या उधर जाओ या इधर आओ, इसका मतलब नुकसान हो रहा है ना। तो रावण संप्रदाय वाली गवर्नमेंट यहाँ भी कहती है कि राम सेतु तोड़ देना चाहिए, और जो जनता पार्टी के लोग हैं क्या कहते हैं? राम सेतु नहीं टूटना चाहिए, वहां हद की बात है और यहाँ बेहद की बात है। बाबा कृष्ण के ब्रह्मा किशोर के साथ प्रकाश मुनि दादी ने इतना बड़ा धोखा किया है, शरीर छोड़ना पड़ा उनको, तो भी वो उनकी बच्ची कैसे बनती है? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में सबसे जास्ती मान मर्तबा किसको दिया? सबसे जास्ती खातिरी कौन सी है बच्चे की? कुमार का की सबसे जास्ती खातिरी की। तो जीवन काल में जो शूटिंग हुई है वो ही प्राप्ति होगी या जीवन काल होने के बाद वहां का गए? ब्रह्मा के जीवन रहते रहते उनके दिल पर जो चढ़ा सो चढ़ा, शरीर छोड़ने के बाद की तो बात ही नहीं। और बाबा मुरली में बोला है कि वो एक सेकंड में सारे वर्ल्ड का देख सकता है, शरीर में बैठ कर ही देख। मैं एक सेकंड में सारे वर्ल्ड का देख सकता हूँ, ठीक है, शरीर में बैठ कर ही देखेगा ना? शरीर में बैठ करके थोड़ी देखता है उसको, शरीर में बैठ करके देखने की जरूरत है तब देखता है। शरीरधारी शरीर से देखेगा, और जो शरीर में बैठने वाला निराकार है वो अंतर्यामी है या बहिर्यामी है? वो तो अंतर्यामी है, जिसमें प्रवेश करता है वो बहिर्यामी है। उसको भी बहिर्यामी तब तक रहना है जब तक अंतर्मुखी 100% नहीं बना, और अंतर्मुखी 100% भी तब तक नहीं बनेगा जब तक माला के जो मणके बनने वाले उसके बच्चे हैं वो 100% अंतर्यामी नहीं बनेंगे। बच्चों को साथ लेकर के बाप जाएगा या अकेला चला जाएगा? साथ लेकर के जाएगा।
साथी बन करके कार्य करेगी। साथी बन कर कितनी आत्माएं जाती है? हैं? साथी बन कर कितनी आत्माएं जाती है? साथी कौन से होते हैं? जो सजा खाने वाले होते हैं वो साथी हो साक्षी साथी कहे जावेंगे कि जो सजा खाने वाले नहीं है वो साथी कहे जावेंगे। बाप आप समान बना के ले जावेगा या आप समान से नीचे बनाना आया है? आप समान कितने बच्चे हैं? आठ। गंगा यमुना सरस्वती ऐसे गायन है भक्ति मार्ग में, तो इसी सीरियल से ज्ञान में आया है क्या? है? इसी सीरियल से ज्ञान में आया है क्या? किस सीरियल से? गंगा यमुना सरस्वती है? ऐसे गायन है ना। काम के आधार पर ज्ञान में आए? गंगा ने ज्यादा काम किया कि यमुना ने किया या सरस्वती ने ज्यादा काम किया? काम के आधार पर गायन है ज्ञान में। ज्यादा रिजल्ट किसने निकाला? गंगा ने रिजल्ट निकाला, तो उसका नाम पहले। और सतयुग में बच्चे गद्दी पर बैठेंगे तभी माँ बाप शरीर छोड़ेंगे। बिल्कुल 18 साल के बाद। गाय सतोप्रधान प्राणी माना जाता है। गाय का बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद दौड़ने लगता है या 2-3 साल पालने में पड़ा रहता है? तुरंत। आज भी मिसाल, तो जानवर ज्यादा सतो प्रदान हुए या मनुष्य ज्यादा सतो प्रदान हुए? तो सतयुग में न बचपना होता है और न बुढ़ापा होता है। वहां भी बच्चे पैदा होंगे और तुरंत दौड़ने लग पड़ेंगे। बुढ़ापे नाम की चीज नहीं है वहां, सदैव खुशी ही खुशी, आधीन नहीं होती वहां आत्मा साकार। पंजाबी 4th कैटेगरी की होती है, 3rd कैटेगरी की होती है, 2nd कैटेगरी की होती है, 1st कैटेगरी के बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं। जो राज्यसभा में राजा रानी के साथ बैठते हैं, तो जिनको राजा के साथ बैठना होता है उनको तो बोनस चढ़ा रहेगा। जो 3rd क्लास प्रजा होगी 4th क्लास होगी उनको तो वो साथ नहीं मिलेगा, तो कौन सा सुख लेंगे? वो इंद्रियों का सुख लेंगे, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों का सुख होगा। तो संबंध बढ़ते जाएंगे। संबंध नहीं होते वहां, संबंध सिर्फ माँ बाप और बच्चों के ही संबंध होते हैं और कोई संबंध नहीं। डबल बच्चे होंगे लेकिन संबंध नहीं होगा, आपस में भाई भाई या भाई बहन। और हाँ, सिंगल पैदा नहीं होगा, डबल ही पैदा होगी, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो। दूसरी बार पैदा होगा वो भी आपस में भाई बहन, वही संबंध रहेगा। लेकिन भाई भाई बन रहे हैं, भाई भाई बन रहे तो बोल, अंतराल ज्यादा होगा ना। और शादी का रिवाज वहां नहीं होगा है? साथ माना इस दुनिया में होता है या उस दुनिया में होता है? साथ माना उत्सव इस दुनिया में मनाए जाते हैं, जहाँ रोज दुख है एक दिन उत्सव मना लिया, वहां तो रोज ही सुख है, रोज ही उत्सव है। अल्पकाल का मनाने की दरकार ही क्या है? कर्म और अकर्म में फर्क नहीं है। सुकर्म उसे कहा जाता है जिस कर्म का सुंदर फल होता है, उसे कहते हैं पुण्य कर्म। और अकर्म उसे कहा जाता है कर्म किया ना पाप बना और ना पुण्य बना, उसको कहते हैं अकर्म। देवताएं जो कर्म करते हैं उसका ना पाप बनता है और न पुण्य बनता है जो अगले जन्म में फल दे। संगम युग में जो उन्होंने प्रारब्ध बनाई है पुण्य की वो भोगते रहते हैं।